लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। नीम के रहस्यमय पेड़ में लगी बिना धुएं वाली आग, नहीं जली एक भी पत्ती। फिर लोगों को दिखा एक और चमत्कार, कौशाम्बी के ख्याति लब्ध मां शीतला दामकड़ा में एक बेहद ही हैरतअंगेज नजारा देखने को मिला। यहां गंगा के किनारे स्थित हनुमान घाट के पास मौजूद एक नीम के पेड़ में आग लग गई। यह आग दोपहर के समय अचानक पेड़ की टहनियों में लग गई थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि पेड़ में आग लगने के बावजूद पेड़ पर लगी एक पत्ती भी नहीं जली। इतना ही नहीं, पेड़ की टहनियों को भी कुछ नहीं हुआ, जबकि आग वहीं लगी थी। बताया जा रहा है कि नीम का यह पेड़ काफी पुराना है, लिहाजा यह बिल्कुल खोखला हो चुका है। पेड़ में लगी आग को देखते हुए वहां मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को भी सूचना दे दी। आग बुझाने पहुंची दमकल की गाड़ी का पूरा पानी खत्म हो गया, लेकिन आग नहीं बुझी। ये पूरा नजारा देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। पेड़ के साथ हो रही इस चमत्कारी घटना की खबर आसपास के कई गांवों में पहुंच गई, जिसके बाद वहां सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बता दें कि इस पूरे अग्निकांड से पहले वहां अंतिम संस्कार को लेकर एक बाबा नाराज हो गए थे। दमकल की गाड़ी ले प्रभारी संजय तिवारी अपने फायर फाइटर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे थे, लेकिन देर तक कोशिश करने के बाद भी जब आग नहीं बुझी तो वे लोग वापस भी परेशान होकर वापस लौट गए। संजय तिवारी ने इस पूरे मामले की जानकारी क्षेत्रीय वन अधिकारी धर्मेंद्र कुमार को दी, जिसके बाद धर्मेंद्र भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गए। चमत्कारी नजारा देख उनके भी होश उड़ गए। धर्मेंद्र ने देखा कि पेड़ में आग तो जल रही है, लेकिन उसमें से किसी भी तरह का कोई धुआं नहीं निकल रहा। जानकारी के मुताबिक दोपहर में लगी आग रात के करीब 9 बजे तक जलती रही। स्थानीय लोग इस पूरे मामले को चमत्कार बता रहे हैं। एक के बाद एक हुई चमत्कारी घटनाओं के बाद लोग काफी परेशान हैं। अब लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पेड़ में आग लगी कैसे? आग लगी तो पत्तियां कैसे बच गईं? पेड़ में आग लगी लेकिन धुआं क्यों नहीं निकला? और दमकल कर्मचारियों की तमाम कोशिशों के बाद भी आग क्यों नहीं बुझी? खैर, सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब किसी भी सवाल का नहीं है।